हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। एक ही क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक ही क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा एंड एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लास्ट तक और डेली बेसिस से मेरे साथ बने रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने छोटे छोटे कमियों को ढूंढिए और उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। जैसा कि फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं। मैंने थ्योरी सेशन चैप्टर वाइज डिटेल में बताया हुआ है एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस एंड 80 वीडियोज को मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रैक्टिस कराया हुआ है एंड डेली बेसिस मैं आपको प्रैक्टिस करा ही रही हूँ। 2024 का ये 45वां प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीसवासी किस पर विशेष बल देते थे? तो दोस्तों, ग्रीकवासी प्रकृति पर तो बल देते ही थे, बट सबसे ज्यादा बल देते थे विशेष बल व्यक्तिवाद। दर्शन की जो शुरुआत है ग्रीक से ही हुआ है, पर वो व्यक्तिवाद पर विशेष बल देते थे। नेक्स्ट है, ग्रीस में अपोलो देवता के पवित्र स्थल पर कौन सा आदर्श वाक्य लिखा हुआ है? तो अपोलो देवता, सूर्य देवता को कहा जाता था दोस्तों, मेडिन आगन आदर्श वाक्य वहां पे लिखा गया है, याद रखिएगा। जीएस देवता को आकाश देवता भी बोला जाता है एंड सूर्य देवता को अपोलो देवता एंड समुद्र देवता को पोसेडियन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खेलों में पोसेडियन देवता के सम्मान में कौन सा खेल खेला गया? पोसेडियन यानी समुद्र देवता के सम्मान में। जैसा कि दोस्तों जो है पूर्व एथेंस काल में अखिल यवन यानी पान हेलेनिक खेल समारोह हुआ करता था, जिसमें 4 खेल समारोह हुआ करता था, ओलंपिक, पीथियन, स्थिमियन, निमियन। ओलंपिक जो है वह जीएस देवता के सम्मान में यानी आकाश देवता के श्रद्धांजलि के लिए ओलंपस पर्वत के मैदान पर किया कराया जाता था एंड जो पीथियन है वह अपोलो यानी सूर्य देवता के श्रद्धांजलि में डेल्फी पर्वत के मैदान पर कराया जाता था। जो इस्थिमियन है वो समुद्र देवता यानी पोसिडियन के सम्मान में कोरिंथ नामक स्थान पर कराया जाता था एंड जो निमियन है वो जीएस देवता के सम्मान में ही आर्गिलेज नामक स्थान पर कराया जाता था। तो यहाँ पे पोसिडियन यानी समुद्र देवता के सम्मान में कौन सा खेल कराया जाता था? तो इस्थिमियन। नेक्स्ट है, जीएस देवता के सम्मान में कौन से खेल खेले जाते थे? तो जो पॉन हेलेनिक खेल होता था उसमें से ओलंपिक एंड निमियन दोनों जीएस देवता के सम्मान में होता था, तो यहाँ पे निमियन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अपोलो देवता यानी कि समुद्र सूर्य देवता, सॉरी दोस्तों, अपोलो देवता यानी कि सूर्य देवता के सम्मान में कौन से खेल खेले जाते थे? जस्ट मैं बताई हूँ कि ओलंपिक जीएस देवता, पीथियन अपोलो यानी सूर्य देवता, इस्थिमियन समुद्र देवता यानी पोसिडियन, अनिमियन जीएस देवता। तो यहाँ पे अपोलो यानी सूर्य देवता बोला है तो पीथियन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस सम्राट ने ओलंपिक खेलों को प्रतिबंधित किया था? तो दोस्तों, आप सबको पता ही है कि प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व से 394 ईस्वी तक कुल 293 ओलंपिक संपन्न हुए यानी 1200 वर्षों तक। तो 394 ईस्वी में रोम के तत्कालीन सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने प्राचीन ओलंपिक खेलों पर रोक लगा दिया था। यहाँ पे थियोडोसियस प्रथम आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फुफ्फुसीय धमनी यानी पल्मोनरी धमनी जो आर्टरी है किससे रुधिर निकालती है? तो दोस्तों, यह दाएं नीलर से अशुद्ध रक्त लेकर के फेफड़ों दोनों फेफड़ों में जाती है, वहां से शुद्ध होकर के पल्मोनरी वेन यानी पल्मोनरी सीरा के द्वारा
बाएं अलिंद में जाता है, फिर बाएं अलिंद से बाएं नीले में, बाएं नीले से एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में, और महाधमनी से उसके शाखाओं के द्वारा समस्त शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो फुफ्फुसीय धमनी किससे रुधिर निकालती है? तो दाया नीले से। राइट आंसर होगा दाया नीले, यानी कि राइट वेंट्रिकल। नेक्स्ट है, चीरकालिक क्षतियों का चिकित्सा किससे होती है? तो जो गंभीर चोटें हैं, पुरानी चोटें हैं, उसकी जो चिकित्सा होती है किससे होती है? तो दोस्तों इसकी चिकित्सा जो है वह अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड रेंज के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, जल चिकित्सा में किसका उपयोग होता है? जल चिकित्सा यानी हाइड्रोथेरेपी, जिसमें जल द्वारा चिकित्सा किया जाता है। नेक्स्ट है, गहरी चोट से हुई क्षति का उदाहरण है? तो दोस्तों दबाव के कारण टूट फूट, ए नॉर्मल से चोट है, सपाट पैर फ्लैट फूट एंड स्नायु रज्जु शोद, ये सभी नॉर्मल से चोट है, लेकिन गहरी चोट जो होता है लिगामेंट के टूट जाने से या ज़्यादा खिंच जाने से, लिगामेंट दो हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ता है तो वहाँ पर क्षति होती है, तो मोच यानी कि स्प्रेन जो होता है वो गहरी चोट का उदाहरण है। नेक्स्ट है, दाब के कारण टूट फूट होती है। तो दोस्तों दाब के कारण टूट फूट कब होती है? जब आस्टी अब्लास्टिक सक्रियता आस्टी अक्लास्टिक सक्रियता से अधिक होती है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि अस्थि निर्माण की प्रक्रिया ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती है, और अस्थियों के विघटन की प्रक्रिया को ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। दोनों चीज़ें याद रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्तकों में कौन क्षति के पश्चात अपने को पुनर्उत्पादित करने में सर्वाधिक सक्षम है? ऐसे तो सभी हैं, लेकिन सर्वाधिक सक्षम कौन है? तो आपको पता है कि जो उत्तकें होती हैं, टिश्यूज होती हैं, वो समान कार्य एवं समान रचना वाली कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक यानी टिश्यू कहा जाता है। चार प्रकार की होती हैं, एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू, एंड पेशी उत्तक यानी मस्कुलर टिश्यू, तंत्रिका उत्तक यानी नर्वस टिश्यू। जिसमें से जो उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू होता है वह शरीर के बाहरी एवं आंतरिक सतहों पर महीन परतों के रूप में आवरित रहती हैं, पूरे शरीर को ढके रखती है, सुरक्षा प्रदान करती है। इसके कारण ही गुहिकाओं तथा खोखली एवं स्पंजी ऊतकों का आवरण नम रहता है, जैसे कि मुख गुहा, स्किन जो हमारी बाहरी वाह्य परत है, स्किन है, जैसे कि चोट लग जाता है तुरंत फिर जल्दी से ठीक भी हो जाता है, उसकी मरम्मत भी अपने आप हो जाता है शरीर के द्वारा ही। नासा गुहा, फेफड़े, अमाशय, आंतों की आंतरिक सतह, लीवर, इन सभी में उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू होता है, सबसे जल्दी रिकवर करता है अपने आप को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रदाहक मध्यस्थों में कौन रक्त का थक्का बनाने से रोकता है? तो दोस्तों आपको पता है कि जो यकृत यानी लीवर है वो हिपेरिन नामक हिपेरिन का निर्माण करता है, और हिपेरिन जो है हमारे रक्त में हमारे जो शरीर के अंदर वाहिकाओं में रक्त को जमने से रोकता है। अगर दोस्तों जब हिपेरिन कम हो जाएगा या काम करना बंद कर देगा तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि रक्त जो है अगर नलिकाओं में ही अंदर जम जाएगी इंसान की मृत्यु हो जाएगी जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। तो हिपेरिन क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो है धमनी या सिराएं जो होती हैं उनके अंदर रक्त को जमने से रोकता है। और जबकि जो ही हम कटते हैं तो कटने के बाद जब वायु के संपर्क में रक्त आता है तो हिपेरिन वहाँ पर प्रभावहीन हो जाता है, अपना काम करना बंद कर देता है, और जो प्लेटलेट्स हैं, फाइब्रोनोजन हैं, प्रोथ्रोम्बिन हैं, वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे रक्त का थक्का बनता है, जिससे ज़्यादा मात्रा में रक्त बाहर नहीं आता है। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी खिलाड़ी के दर्द के अवबोधन को कम करने के लिए उसके
प्रशिक्षक को क्या करना चाहिए। मान लीजिए आप प्रशिक्षक है, किसी खिलाड़ी को ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे। पहला बात कि मनोवैज्ञानिक सांत्वना प्रदान करेंगे कि ठीक हो जाएगा, और फिर बातचीत के जरिए उसके ध्यान को हटाएंगे उससे, तब दूसरा काम करेंगे। तो क ख यहाँ पे दोनों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जो अस्थि संयोजक उत्तको यानी जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उसके रूपांतरण से बनती हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको निवेशी अस्थि कहेंगे। नेक्स्ट है स्थिर अस्थि कोशिकाएं यह भी कहलाती हैं। तो अस्थि कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट्स बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स। यहाँ पे देख लीजिए ऑस्टियोसाइट्स होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, इस अस्थि निर्माण की प्रक्रिया है। ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, अस्थि भंजक यानी अस्थि को विघटन की प्रक्रिया है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, विटामिन डी की कमी से हो जाता है, कैल्शियम फॉस्फोरस की कमी से। नेक्स्ट है दाएं हाथ की अस्थियों के अस्थि भवन यानी ऑसिफिकेशन की टेक्निक का उपयोग किसे निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों दाएं हाथ की जो अस्थि होती है, दाएं हाथ की रेडियल बोन का प्रयोग आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है, इसलिए दाएं हाथ की रेडियल बोन को एक्सरे एज के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे उम्र ज्ञात करने के लिए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है घुटने के पीछे की मांसपेशी क्या करती है। दोस्तों घुटने को फैलाती है कि मोड़ती है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि घुटने के पीछे की जो मसल्स होती है उसका नाम है हैमस्ट्रिंग मसल्स। हैमस्ट्रिंग मसल्स जो होती है वो तीन पेशियों के ग्रुप से बना हुआ है, बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनियस एंड सेमी टेंडेनियस। इन तीनों के समूह को सम्मिलित रूप से हैमस्ट्रिंग मसल्स बोला जाता है, और यह क्या करता है, घुटने को मोड़ने के काम आती है। तो यहाँ पे घुटने के मोड़ने में आपका राइट आंसर हो जाएगा। और डायरेक्ट जो हमारे जांघ के ऊपर, जो घुटने के ऊपर मांसपेशी पाई जाती है जांघ के सामने, उसको क्वाडिसेप्स मसल्स कहते हैं, और वह चार पेशियों के समूह से बना होता है, रेक्टस फेमोरिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस लेटरलिस, वास्टस इंटरमीडियलिस। इन चारों से मिलकर क्वाडिसेप्स मसल्स जांघ के ऊपर की बनती है, जो घुटने को फैलाने और हिप को मोड़ने में काम आती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्लेटो ने किस खेल में दक्षता हासिल की थी। तो दोस्तों वह मल्ल युद्ध में दक्षता हासिल किए थे। नेक्स्ट है ऊर्ध्वाधर अक्ष यानी वर्टिकल एक्सिस गुजरता है। दोस्तों वर्टिकल एक्सिस ऐसे गुजरता है यानी जमीन के अवलंब यानी जमीन के समानांतर होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका जमीन के अभिलंब, जैसा कि प्लेन एंड एक्सिस दोनों तीन तीन होते हैं, मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। नेक्स्ट है ज्ञान की किस शाखा में गुरुत्व का नियम गति के नियम का उदाहरण है। जैसे कि आप गुरुत्व का नियम पढ़ेंगे भौतिकी में, लेकिन जब यांत्रिकी में पढ़ेंगे तो वहां पे गति में कैसे कैसे हम गुरुत्व के नियम का उपयोग करेंगे किसी वस्तु को फेंकने में, खेलने में, तो वहां पे यांत्रिकी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सपाट पैर को इस नाम से भी जाना जाता है, सपाट पैर यानी फ्लैट फुट। तो फ्लैट फुट है तो उसको दोस्तों प्लेस प्लैनस के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, फेस प्लैनस के नाम से भी जाना जाता है, यानी चपटा पांव जो फ्लैट फुट है, सपाट पैर है, उसको फेस प्लैनस के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि फ्लैट फुट में क्या होता है, खड़े होने पर पंजे के नीचे कोई वक्र नहीं बनता है, समतल हो जाता है, फ्लैट पैर हो जाता है, और चलने पर पंजे बाहर की तरफ आते हैं, फिर पंजे घूमकर अंदर की तरफ आ जाते हैं। फ्लैट फुट यानी कि पेस प्लैनस में दो प्रकार के आर्च बनते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल जो है एड़ी से पैर की अंगूठे तक बनता है, और जो ट्रांसवर्स होता है पैर की छोटी उंगली से अंगूठे तक बनता है। दोस्तों एक होता है पंजा पाँव यानी क्ले फुट। फ्लैट फुट क्ले फुट में दोनों में आप अंतर समझिएगा, फ्लैट फुट में कोई वक्र नहीं बनता है, एकदम सपाट पैर, तलवा जो है एकदम सपाट होता है, और जबकि क्ले फुट में क्या होता है,
इतना ज्यादा वक्र बन जाता है, गड्ढा बन जाता है पैर के तलवे में कि एकदम गाय के खुर की तरह दिखाई देता है। तो इसको हम क्ले फूट को पेस कैवस, हालो फूट, क्ले टोज आदि नामों से जानते हैं, जबकि फ्लैट फूट को पेस प्लैनस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, श्रेष्ठ खिलाड़ी प्रायः व्यक्तित्व की कुछ विशेषता संपन्न होते हैं। तो दोस्तों, श्रेष्ठ खिलाड़ियों में ज्यादातर एग्रेशन होता है। एग्रेशन खेलने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए होना चाहिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं। तो इस प्रकार का श्रेष्ठ खिलाड़ी में होता है अग्रेशन, आक्रामकता होता है। नेक्स्ट है, मनोयौन भावना का विकास कब होता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, किशोरावस्था में। नेक्स्ट है, उपलब्धि अभिप्रेरणा के अध्ययन से सबसे अधिक जुड़ा हुआ मनोवैज्ञानिक है। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है एक्सीलैंड। कौन है? एक्सीलैंड। नेक्स्ट है, मानसिक व्यय की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो दोस्तों, मानसिक व्यय की अवधारणा को बिनट ने सबसे पहले 1905 में प्रस्तुत की। नेक्स्ट है, CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेशियों की ओर जाने वाले आवेग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जो हमारा न्यूरॉन्स होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होता है वह हमारे सेंसरी ऑर्गन्स यानी आँख, कान, आँख से देखकर, कान से सुनकर, जीभ से स्वाद लेकर एंड त्वचा से स्पर्श, ठंडा गर्म को, ये सभी सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा सेंसरी न्यूरॉन्स जो है ले जाता है सूचनाओं को ब्रेन तक। अब ब्रेन यानी कि अभिवाही होती है, अभिवाही यानी एफ्रियंट, इसको सेंसरी और न्यूरॉन्स कहते हैं। तो संदेशों को मस्तिष्क तक ले जाती है और मस्तिष्क से यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर सूचनाएं यानी आवेग जो है हमारे मांसपेशियों तक कैसे पहुंचती है? अपवाही तंत्रिका द्वारा यानी कि मोटर नर्व के द्वारा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, यहाँ पे अपवाही यानी कि एफ्रियंट जो बाहर निकल रही है, मोटर नर्व इसको कहेंगे। ठीक है, आई होप कि आप समझे होंगे। नेक्स्ट है, ज्ञान का सरलतम रूप क्या है? तो दोस्तों, ज्ञान का सरलतम रूप होता है संवेदना। नेक्स्ट है, सुषुम्ना का क्रियाशील विभाग है। तो इसका दैहिक संवेदी है यानी कि मोटर सेंसरी दोनों प्रकार की। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप परिभाषित अनुक्रिया को कहते हैं। तो इसे अनुबंधित प्रतिवर्त कहा जाता है। जैसे आपको प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है जिसका संचालन जो है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है, तो जो भी अनुक्रियाएं प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप होती हैं, जैसे कि दो प्रकार की होती है, एक जन्मजात होती हैं, एक अर्जित होती हैं। जैसे कि आग में हाथ डालते ही हाथ को हटा देना, सामने सांप देखते ही पीछे हट जाना, ये जन्मजात, अब भोजन देखते ही लार उत्पन्न होना, ये जन्मजात प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। जबकि जैसे कि शुरुआत में आप साइकिल चला रहे हैं तो बार बार गिर रहे हैं, उसका संचालन ब्रेन कर रहा है, जैसे ही आप उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, अनुभव हो जाता है, तो ब्रेन से कोई मतलब नहीं जाता है। आप बात करते हुए भी, मोबाइल से बात करते हुए भी साइकिल चलाते हैं तो आप वहाँ पे मिस्टेक नहीं करते हैं, तो उसका संचालन फिर स्पाइनल कॉर्ड करने लगता है, यानी कि आपका एक प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप अनुक्रिया प्राप्त हुआ है, तो अनुबंधित प्रतिवर्त यहाँ पे कहलाएगा। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में व्यक्तिगत अंतर का मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसने आरंभ किया था? तो इसको आरंभ किया था फ्रांसिस गॉल्टन ने। नेक्स्ट है,
17वीं शताब्दी में साहचर्यवाद का सिद्धांत निम्न में से किन्होंने उपस्थित किया था? तो इसको जॉन लॉक, बिशप बर्कले एंड डेविड ह्यूम तीनों ने किया था। उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है, 16वीं शताब्दी में निम्न में से किन विचारकों ने महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक विचार उपस्थित किए हैं? तो वहां पे 16वीं शताब्दी में रेने डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिस, उपरोक्त सभी, ये सभी महत्वपूर्ण विचार दिए हैं मनोविज्ञान पर। नेक्स्ट है, प्राचीन यूनानी विचारकों ने मनोविज्ञान का नाम निम्न में से क्या रखा था? तो प्राचीन यूनानी विचारकों ने मनोविज्ञान में का नाम शुरुआत में मानसिक दर्शन रखा था। क्या रखा था? मानसिक दर्शन। नेक्स्ट है, प्राचीन यूनानी विचारकों के अनुसार मनोविज्ञान निम्न में से किसका अध्ययन था? तो दोस्तों, जैसा कि मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, फिर व्यवहार का विज्ञान कहा गया, जो व्यवहार का विज्ञान वर्तमान में कहा जाता है। तो प्राचीन यूनानी विचारक ने सबसे पहले क्या कहा इसको? आत्मा का विज्ञान, आत्मा का अध्ययन। आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को 16वीं शताब्दी में अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट ने कहा। और मन मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं शताब्दी में पेम्पोनोजी ने कहा। चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में विलियम बूंड, विलियम जेम्स आदि ने कहा। फिर व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में कहा गया, वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, थार्नडाइक, मैकडूगल के द्वारा। व्यवहारवाद का जन्मदाता वाटसन है। मनोविज्ञान को शुद्ध मनोविज्ञान या निश्चित मनोविज्ञान वाटसन ने कहा। और मनोविज्ञान के पिता विलियम उंट हैं, या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान कहिए चाहे व्यवहारात्मक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के पिता कौन है? विलियम उंट। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्न में से किस ज्ञान का अंग था? तो दोस्तों, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से निकला हुआ है, प्रारंभ में यह दर्शन शास्त्र का अंग था। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान परिवेश के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसने दी है? तो मनोविज्ञान की यह परिभाषा दिया है आर एस वुडवर्थ। जहां भी परिवेश वातावरण की बात आए परिभाषा में मनोविज्ञान के, वहां वुडवर्थ ही राइट होंगे। ये ट्रिक है आपका। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु की इकाइयां निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों, यहाँ पे अनुक्रिया यंत्र आपका मनोविज्ञान की विषय वस्तु की इकाइयां हैं। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? दोस्तों, इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी दिया है मूल प्रवृत्ति की धारा प्रोफेसर मैकडूगल ने। ऑप्शन नंबर ख राइट होगा। नेक्स्ट है, खेल ही जीवन है प्ले इज लाइफ थ्योरी किसने दिया है? तो जॉन डेवी ने दिया है, ये आप कई बार सुन चुके हैं। नेक्स्ट है, किसी भी शारीरिक क्रिया या खेल से पहले मांसपेशियों के अनुकूलन के लिए किया जाता है? तो आप क्वेश्चन सुनते ही आंसर दे दिए होंगे, क्या किया जाता है दोस्तों? वार्मिंग अप, शरीर को गर्माना, जिससे मांसपेशियां जो है शिथिल हो जाती हैं, मांसपेशियां जो है गर्म हो जाती हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ऑक्सीजन अंतर्ग्रहण क्षमता बढ़ जाती है, और जिसके कारण हम खेलते हैं तो चोट लगती है, तो चोट कम आती है, चोट नहीं लगती है, ठीक है, टूट फूट नहीं होता है ज्यादा। नेक्स्ट है, प्रतियोगिता या कठिन शारीरिक श्रम के पश्चात शरीर को सामान्य अवस्था में लाने के लिए क्या किया जाता है? तो दोस्तों, जैसे कि खेल क्रिया करने से पहले शरीर को गर्माया जाता है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी लाया जाता है, उसी प्रकार प्रतियोगिता या कठिन शारीरिक श्रम के पश्चात उसको साधारण सामान्य अवस्था में लाने के लिए लिम्बरिंग डाउन यानी कि कूलिंग डाउन किया जाता है, शिथिल होना, जिसमें हल्का हल्का चलना, धीरे धीरे सांस लेना, गहरी सांस लेना, ये होता है। नेक्स्ट है, किस क्रिया द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट और वसा का ब्रेकडाउन किया जाता है, जिससे सारी क्षमता में बढ़ोतरी होती है? तो दोस्तों, ऑक्सीजन के साथ जो किया जाता है उसको एरोबिक क्रिया कहते हैं। तो जो एरोबिक क्रियाएं होती हैं उसमें ऐसा होता है, जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट एंड वसा का ब्रेकडाउन किया जाता है, जो शारीरिक क्षमता यानी कि जो फिजिकल स्ट्रेंथ होता है उसको
इन्हेंस करता है, बढ़ोतरी करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एरोबिक क्रिया नहीं है? दोस्तों जॉगिंग भी है, साइकिलिंग भी है, कैलिस्थेनिक्स भी है। यहाँ पे परिधि प्रशिक्षण सर्किट ट्रेनिंग नहीं है। सर्किट ट्रेनिंग से स्ट्रेंथ एंड्योरेंस डेवलप होता है। नेक्स्ट है, कौन सी क्रिया एरोबिक और अनएरोबिक दोनों है? तो दोस्तों यहाँ पे चारों एरोबिक क्रियाएं हैं, जिसमें से एक ऐसा है जो एरोबिक एंड अनएरोबिक दोनों है, तो वो है साइक्लिंग। नेक्स्ट है, किस एरोबिक क्रिया से शरीर की केवल सामान्य पुष्टि प्राप्त होती है? तो वह होता है आपका कैलिस्थेनिक्स, मुक्त हस्त व्यायाम भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, जैसे जैसे खिलाड़ी की प्रदर्शन क्षमता बढ़े, ठीक उसी क्रम में प्रशिक्षण भार को बढ़ाते रहना चाहिए, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो दोस्तों खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत में मैंने 10-12 सिद्धांत डिटेल में बताया हुआ है। तो भार को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है खिलाड़ी की प्रदर्शन क्षमता के आधार पर, तो यहाँ भार की प्रगतिशीलता का सिद्धांत आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, खिलाड़ी के मानव शरीर अंग भार अनुकूलन के पश्चात प्रशिक्षण भार के उच्च स्तर मांग को प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ भी भार को प्रशिक्षण के पश्चात उच्च स्तर मांग को बढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ भी आपका राइट आंसर हो जाएगा भार के प्रगतिशीलता का सिद्धांत। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण भार को दो विधियों से धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से बढ़ाया जाता जा सकता है। तो यह भी भार को धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से बढ़ाया जा रहा है, तो यह भी आपका राइट आंसर हो जाएगा भार की प्रगतिशीलता का सिद्धांत। क्वेश्चन देखिए कई प्रकार से घुमा घुमा के पूछ सकता है वही क्वेश्चन। नेक्स्ट है, खिलाड़ी की प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण भार दिया जाता है, यह कौन सी विधि कहलाती है? तो दोस्तों यह विधि आपकी रैखिक विधि, एक क्रमवार विधि, क्रमवार दिया जाता है तो रैखिक विधि कहलाएगी। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 50 MCQ क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए जिससे अन्य लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। तो दोस्तों डेली बेसिस से मेरे साथ इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, अपने कमियों को ढूंढते रहिए। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।